कन्नौज इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक की पांचवी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कन्नौजी माटी वंश समागम कार्यक्रम में जैसे ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला उतरा, समूह से भरा बोर्डिंग ग्राउंड जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जनसभा को संबोधित करने से पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MLC स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे के घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही उन्होंने 352 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होगा, इस पर भी अपनी मंशा जताई। उन्होंने महिलाओं को सम्मानित किया और कन्नौज की जनता को जनप्रतिनिधियों का साथ पढ़कर अयोध्या दर्शन का न्योता भी दिया। समागम कार्यक्रम में सांसद सुब्रत पाठक ने जमकर सपा पर भड़ास निकाली, तो वहीं राज्य मंत्री द्वारा योगी और मोदी की गारंटी की बात भी कही गई। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। पाठक जी को, स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे जी को मैं एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी कन्नौज वासियों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से प्राणपण से जुटने का आह्वान करता हूं और अपने जुझारू सांसद को मजबूती के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का भी आह्वान आपसे करता हूं। उन्होंने संघर्ष किया है, वे संघर्ष करेंगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। विकास की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, विकास और वेलफेयर स्कीम से कोई वंचित नहीं रह पाएगा, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और चुनाव के पहले अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का आह्वान भी आप सबसे करता हूं। अयोध्या में जरूर आइए, रामलला का दर्शन इससे पहले करके ऊर्जा से भर जाइए। आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय।